वेलकम बैक फ्रेंड्स, दोस्तों, बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर का जो ब्रेन टीजर्स है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव डन इट ऑलरेडी, लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, ब्रेन टीजर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फाइंड द सम है, फ्रैक्शन का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का सम फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया है कि देखिए, एक तरीका तो ये है कि जैसे देखिए ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी ऊपर अंश नीचे हर। तो इसको अगर हम लोगों को ऐड करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 होना चाहिए। ठीक है, तो 16 ये कैसे बनेगा, ये तो 16 है, ये कैसे बनेगा? तो इसका तरीका ये है, 7/16 + 1/8, इसमें अगर नीचे भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए अब हमारा काम हो जाएगा। ये हो गया 7/16 + 2/16। अब दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 16, तो दो बार ना लिख कर मैं एक ही बार लिख रहा हूं, और ऊपर वाला न्यूमरेटर 7 + 2, डिनोमिनेटर को अलग अलग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों तो 16 ही है। तो एक बार लिख दिए और एक बड़ी लाइन ड्रा करके न्यूमरेटर को ऐड कर दिए, ये आ गया हमारा 9/16। देख रहे, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फर्स्ट का बी है 5/9 + 1/2 + 4/3। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता होगा? 9 के भी टेबल में आए, 2 के भी टेबल में आए, 3 के भी टेबल में आए, तो जरा टेबल उसका पढ़िए पार, तो आप पाएंगे कि जो 18 है, अच्छा मान लो नहीं पता चल रहा है बाई चांस कि कौन सा नंबर आएगा तीनों के टेबल में, तो हम ये वाला तरीका जानते हैं एलसीएम निकालने का, 2, 3 और 9। डिविजन मेथड से हम एलसीएम निकाल लें, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, ये इसी तरह उतर जाएंगे, फिर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से 1 3, फिर 3 से 1 1 1। आप देख रहे हैं, जिसको डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना नहीं आता हो वो लोग देख सकते हैं एलसीएम वाला वीडियो, कनक क्लासेस पर अवेलेबल है, क्लास 5 मैथ्स में। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया भाई, 2 × 3 × 3, यानी 18 एलसीएम हो गया, यानी कि हमको इन सब के डिनोमिनेटर को 18 बनाना पड़ेगा। तो 18 कैसे बनेगा, 5/9 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे नीचे ऊपर तो 18 हो जाएगा, प्लस 1/2 है तो इसमें 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देखिए 9 × 18, प्लस 4/3 है इसमें 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए क्या होगा, 10/18 + 9/18 + 24/18। देखिए सबका डिनोमिनेटर 18 हो गया, जब सबका डिनोमिनेटर 18 हो गया तो बस हमारा काम हो गया। अब हम देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर 18 है, तीन बार ना लिख कर हमने एक बार लिख दिए 18, और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए सिंपली 10 + 9 + 24, ऐड करने कितना आ जाएगा, 43/18। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी बड़ा नंबर है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको हम मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, तो 43 में 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 × 36, देखिए अब 7 आ गया,
अब इसको यूनिट नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं 2 होल 7/18। ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट का सी, 7 + 1 होल 1/2 + 9/5 ये दिया हुआ है। तो पहले इस यूनिट को इम्प्रॉपर में बदल ले, और यहां पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 कर ले, 7/1 + 2 1 2 1 3/2 + 9/5। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अब कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों डिनोमिनेटर के टेबल में आता है। बताइए कमेंट करके कौन सा नंबर आएगा जो इन तीनों के टेबल में आता है। एक तरीका तो एलसीएम वाला बताया मैंने चेक करने का, और छोटे नंबर के केस में तो हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए 10 एक ऐसा नंबर है, बहुत अच्छे कुछ लोग कमेंट भी कर दिए, देखकर अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा। ये देखिए 10 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है। तो अगर सबके डिनोमिनेटर को 10 बना दिया जाए काम हो जाएगा। 10 से ऊपर नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 3/2 है, इसको 10 बनाने के लिए 2 में 5 से मल्टीप्लाई किए, प्लस 9/5 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो देखिए 70/10 + 15/10 + 18/10 सभी का डिनोमिनेटर 10। जब सबका डिनोमिनेटर 10 हो गया तो एक बार लिख लेते हैं 10, ऐड कर देते हैं 70 + 15 + 18, ये आ जाएगा 103/10। तो इसको भी मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। 103 में डिवाइड कर दीजिए 10 से, 10 10 100 3 बच गया, तो ये आया 10 होल 3/10, इट इज द राइट आंसर। अब इसके बाद डी वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसको एक दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, चलिए डी वाले को उस तरह से समझा देता हूं। ये तो सही तरीका है, आप एक तरीका और लगा सकते हैं। डी वाला क्वेश्चन है 2 होल 1/2 + 1 होल 1/4 + 2 होल 4/5 ये क्वेश्चन। तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 2 4 1 5/2 + 5/4 + 14/5 सही है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 5, 2 से डिवाइड करें 1 × 2 × 5, ये ऐसे ही रह जाएगा 2 1 1 5, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए 1 1 1। अब ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, अब एलसीएम हमारा आ गया 2 × 2 × 5 यानी 20 एलसीएम आया। तो अब दूसरा तरीका देखिए क्या है, पहले तो ये बड़ी लाइन ड्रा करके 20 लिख दी, ठीक। पहले के क्वेश्चंस में जो तरीका बताया हूं उस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि इसमें आप 20 याद लीजिए, अब इस 20 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 10, जब 10 टाइम्स में, तो जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ 10 टाइम में उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 × 5,
टेन जा जितनी बार में कटा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो टेन फाइव जा फिफ्टी प्लस फोर से ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे तो फोर फाइव जा फाइव बार में कटा, इस फाइव का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव से डिवाइड कीजिए ट्वेंटी को फाइव फोर जा फोर टाइम्स में डिवाइड हुआ, इस फोर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्टीन में फोर्टीन फोर जा 56, अब इनको ऐड कर दीजिए 75, 681, 131 आएगा, ठीक है। ठीक 20, अब फिर ये बड़ा नंबर आ गया तो इसको फिर से हम नेक्स्ट नंबर में बदल दें, 131 को डिवाइड कर दिए 20 से, 26 जा 120, ये 11 आ जाएगा, तो ये आएगा 6 होल 11 अपॉन 20, इट इज द राइट आंसर। तो इस तरह से फाइंड द सम कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब सब्ट्रैक्ट का भी देख लेते हैं तुरंत जल्दी जल्दी। 3/8 फ्रॉम 1/2 है, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर रहता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 1/2 - 3/8। अब इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, सब्ट्रैक्ट तो होगा ही, इसे भी 8 बना लेते हैं, 1/2, अब कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/8। अब आया 4/8 - 3/8, एक बार लिख दीजिए 8, 4 - 3 आंसर आ गया 1/8, सही है। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको हम नोट करेंगे, 1/2 - 3/16, अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 16 है तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 से नीचे करेंगे तो 8 से ऊपर भी करना पड़ेगा, भाई अपने मन का थोड़ा है कि कहीं भी कर दिया मल्टीप्लाई, 8 से ऊपर भी किया 8 से नीचे भी, इससे पहला क्या हुआ दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में करेंगे -3/16, तो ये आ गया 8/16 - 3/16, एलसीएम हो गया 16, 8 - 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5/16, इट इज द आंसर। देखिए ए और बी का हो गया सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं जल्दी से सी और डी क्वेश्चन, इसको पहले ही प्रॉपर में बदल दें, फ्रॉम के बाद और इसे माइनस करते हैं, -4/1/2 इसे सही कर लें, 6 - 9/2, अब देखिए यहाँ 6/1 है यहाँ 9/2 है, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो होगा नहीं, इसे भी 2 बना दे तो 6/1 × 2 × 2 -9/2, देखिए जिस नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं रहता हम 1 लिख देते हैं उसके नीचे, आ गया 12/2 - 9/2, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब एलसीएम 2 हो गया 12 - 9, ये आया 3/2, अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/2, न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। डी वाला क्वेश्चन है 7/3/5 - 2/1/2, इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग जल्दी से, तो डी वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दो, ठीक हो गया होगा आयो। चलिए तो इसको अब सही कर लेते हैं, 38/5 आ जाएगा, 5 7 = 35 + 3 38/5 - 2 2 = 4 1 5 + 2, अब इसका देखिए डिनोमिनेटर 5 है इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा या तो दूसरा वाला तरीका लगा देते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों के टेबल में आता है, तो दोनों के टेबल में आने वाला नंबर कौन सा है, 10, 10 हमने एलसीएम ले लिया
अब इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू जाए, 2 बार में कट होगा, तो उस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 38 × 2 माइनस 2 से 10 को डिवाइड कीजिए इसके डिनोमिनेटर से, तो 2 5 जा 5 बार में कटा, इस 5 का ऊपर 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 25 × 5 नीचे वाले से डिवाइड करेंगे जितना आएगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दिए। इनसे अलग तरीका वो है ना, बताया ना क्वेश्चन एडिशन में, ये आ जाएगा 76 − 25/10 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना आएगा भाई 151/10 इसको इम्प्रॉपर से नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें 5/1/10 इट इज द राइट आंसर। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। एक क्वेश्चन दिया है तो इम्प्रॉपर में इसको कन्वर्ट करने पहले 5 × 10 + 3 (13/5) + 7/2 क्योंकि 3 × 6 + 1 − 8 × 16 + 1 (17/8) अब इन सब का अलग अलग है, वो कौन सा नंबर इनके टेबल में आया देख लेते हैं। 2, 8, 5 इवन नंबर को पहले लिख दिया, 2, 1 बाद में 4, 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर 2 से 1, 2, 5 ऐसे ही आ गया, फिर 2 से अभी कटेगा 1, 1 तब तक डिवाइड करते हैं जब तक सब 1 हो जाए, 1, 1, 1 देखिए सब 1 हो गया। एलसीएम कितना होगा भाई 2 × 2 × 2 × 5 यानी 40, एलसीएम 40 हो गया। एक तरीका तो ये है कि सबके डिनोमिनेटर को 40 या तो मल्टीप्लाई करके बना लीजिए, या फिर जो अभी तरीका बताया हूँ एलसीएम वाला 40 लिख दिए, अब इस 5 से 40 को डिवाइड कीजिए तो 5 8 है, 8 टाइम्स में डिवाइड होगा तो उस 8 का 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 × 8 हो गया, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में डिवाइड होगा, इस 20 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 20 - 8 5 जा 5 बार में 40 कटेगा ना 8 से 8 5 जा इस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 17 × 5 दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, एक अलग अलग सबका डिनोमिनेटर 40 बना लीजिए वो भी तरीका है आपको सिखाया गया, एक तरीका इस तरह से डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं। तो यह आया 104 + 140 − 85/40 ऐड कर दीजिए दोनों, जो ऐड होने लगेगा 244 − 85/40 सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा, क्या 9 आएगा ठीक, और 13 में से गया 5 1 40 इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए डिवाइड करके 159 में 40 से डिवाइड करेंगे तो 43 + 129 इतना, तो 3 whole 39/40 यह यहाँ रफ है, इधर तक रफ है और यहाँ आंसर है। उम्मीद है ये भी तरीका आपको आ गया होगा अच्छी तरह से कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम। शीतल नीड्स 1 whole 1/2 meter ऑफ रेड रिबन, 3/4 meter येलो रिबन एंड 1 meter ब्लैक रिबन टू मेक ए डॉल। एक डॉल बनाने के लिए उसे इतने इतने लेंथ की अलग अलग कलर के रिबन की जरूरत है, तो पूछ रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना होगा नीडेड रिबन, तो हम लिख देते हैं टोटल लेंथ ऑफ रिबन। अब इसे ऐड कर लेते हैं तीनों को, ऐड करेंगे तो 1 whole 1/2 + 3/4 + 1 तो
इसको मिक्स में से प्रॉपर में करते हैं, 3/2 + 3/4 + 1 है तो 1/1 कर, ठीक। अब सबके डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो एक तो वो तरीका जो हम जानते हैं, यानी अगर सबके डिनोमिनेटर को 4 कर दें तो कैसे, 3/2 है तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो 4 है ही इसका डिनोमिनेटर, कुछ नहीं करना है, प्लस 1/1 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तब ना डिनोमिनेटर 4 होगा। तो चलिए 6/4 हो गया, प्लस 3/4 हो गया, प्लस 4/4 हो गया। आप देख पा रहे होंगे सबका डिनोमिनेटर अब 4 हो गया। जब सबका डिनोमिनेटर 4 हो गया तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, तो 1/4 कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, 6 + 3 + 4 यानी आ जाएगा 13/4, और इसे मिक्स में कन्वर्ट कर दें, 4 × 3 = 1/4 मीटर। इतनी टोटल लेंथ की रिबन लगेगी, 3 होल 1/4 जब डिवाइड करेंगे तो यही आएगी, ठीक है। अगर किसी को कैसे प्रॉपर से मिक्स में या मिक्स से प्रॉपर बदलते नहीं आ रहा, तो इन सब का वीडियो भी करंट क्लासेस पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ट्रिकी मैथ्स में भी है और क्लास 5th मैथ्स प्लेलिस्ट में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। रेनूज मदर बॉट 5 लीटर ऑफ मिल्क, रेनू की मम्मी ने 5 लीटर मिल्क ले आए, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो गया 5 लीटर, जिसमें से 2 होल 1/2 लीटर मिल्क उन्होंने स्वीट बनाने के लिए यूज कर दिया और 3/4 लीटर मिल्क यूज कर दिया टी बनाने के लिए। तो पूछ रहा हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट, अब उनके पास कितना मिल्क बचा। तो भाई पहले कितना मिल्क खर्च हुआ वो तो हम लोग निकाल लें, तो यूज्ड मिल्क, यूज्ड मिल्क हो गया कितना, इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि स्वीट बनाने और टी बनाने में खर्च हुआ, 2 होल 1/2 + 3/4, इसे साल कर लेते हैं, 2 × 4 + 1 यानी 5/2 + 3/4, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम बना लेते हैं, 5/2 है जिसमें 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इसे ऐसे ही रहने दें, ये आ गया 10/4 + 3/4, ऐड करने में आया 13/4, इतने लीटर इन लोगों ने यूज कर दिया। अब टोटल था 5 लीटर और इतना इन्होंने यूज कर दिया, तो पूछ रहे कितना बचा, तो भाई टोटल वाले में से इसको माइनस कर दे जितना खर्च हुआ है, पता चल जाएगा कितना बचा। तो लेफ्ट मिल्क इज इक्वल टू टोटल था 5 - यूज्ड हो गया 13/4, 5/1 हम कर सकते हैं, मैंने कहा था जिसका डिनोमिनेटर नौ लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे 4 है, यहां 4 नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो चलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 5/1 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तभी तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ये आ गया 20/4 - 13/7, सबको हटा के 1 कर देते हैं, दो बार क्यों लिखेंगे, सॉरी 13/4, तो दोनों का 4 हमने एक बार कर दिए, ऊपर 20 - 13 यानी आ गया 7/4, इतने लीटर मिल्क बच गया, लेकिन ये इम्प्रॉपर में है तो इसको मिक्स में चेंज करेंगे, ये आएगा 1/3 1/3/4 लीटर इतने मिल्क इसके पास बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 6 नंबर है वो है रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म, यानी फ्रैक्शंस को हमको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे छोटे फ्रैक्शन
उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक, तो अब इसके लिए तरीका क्या है कि जैसे अब देखिए यहां दिया 8/12, तो हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई टेबल है जिसके टेबल में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हो, तो हमको दिखेगा कि भाई 2 के टेबल में दोनों आते हैं। और चेक कर लीजिए बड़े नंबर में, क्या 4 में भी आते हैं? 4 के भी टेबल में दोनों आते हैं। और कोई टेबल है कमेंट करके बताइए जी, ना 2 के टेबल से कट जाएंगे दोनों और 4 के टेबल से कट जाएंगे, उससे बड़े किसी टेबल में। अब जैसे अलग अलग नहीं काटना है जी, ऐसा चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। तो 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं। तो जो बड़ा नंबर है जिसके टेबल में आ रहे हैं दोनों, जैसे 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, इसे 4 से डिवाइड करते हैं दोनों, कितना आ जाएगा? जितना कोशेंट है यहाँ के 4 2 जा, 2 यहाँ रख दिए, 4 3 जा। अब क्या ये दोनों नंबर किसी और टेबल में आते हैं? एक टेबल में 2 और 3 दोनों आएगा, 1 को छोड़ के किसी टेबल में नहीं ना आएगा, तो ये लोकेशन टेबल। इसी तरह 35 और 63 है, ये दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश इसे बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर, तो ये दोनों को चेक कीजिए किस नंबर के टेबल में आते हैं। एक तरफ से चेक कीजिए 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 4 के टेबल से, 5 के टेबल से, 6, 5 के टेबल में 35 तो आएगा, 63 नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में दोनों आएंगे, तो हम 7 से डिवाइड कर दिए दोनों को, ये आ गया 7 5 का 35, 7 9 का 63। अब देखिए 5 और 9 दोनों एक टेबल में किसी में नहीं आएंगे, यानी ये लोवेस्ट टर्म है। जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में आते जाएंगे तब तक हम समझ जाएंगे कि ये लोवेस्ट टर्म नहीं है। हाँ, लेकिन जब कटते कटते लास्ट में अगर ऐसा होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे किसी एक टेबल में, तो यानी वो लोवेस्ट टर्म होगा। तो अब इसी तरह इसमें 44 और 49 किस टेबल में आते हैं? ये आते हैं 11 के टेबल में दोनों को, चेक करना होगा आपको, टेबल याद रखना पड़ेगा 4/9। देखिए 4 और 9 एक टेबल में नहीं आते हैं किसी भी, अलग अलग 4 4 के टेबल में या 2 के टेबल में आएगा, 9 9 के टेबल में या 3 के टेबल में आएगा, तो अलग अलग तो चेक करना नहीं है, चेक करना है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस टेबल में आते हैं। तो ये दोनों एक साथ किसी में नहीं आएंगे, ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं, उसे डिवाइड कर दीजिए 3/5। देखिए 3 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते, यानी ये भी लोवेस्ट टर्म होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रैक्शंस को, तो इनके देखिए जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो हमको सबका डिनोमिनेटर एक बनाना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा मतलब बड़ा है कौन सा छोटा। तो हम इसके लिए ये एलसीएम निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से, 2 1 2 4 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 2 5, तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए 1 1 5, और 5 से डिवाइड कर दें 1 1 1 5, एलसीएम हुआ 2 into 2 into 2 into 5, यानी 40 हो गया। अब या तो इन सब के डिनोमिनेटर को 40 बना दीजिए, या फिर वो जो लाइन खींच के मैं करता हूँ उस तरह से चलिए, तो नियम वही पुराना लगाते हैं, इसे 40 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करें नीचे, ऊपर भी कॉमा, 7/10 है, इसे 40 बनाना है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 है तो इसमें 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और 5/8 है तो इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ना 40 होगा। तो आएगा हमारे पास 30/40, 28/40, 20/40 और 25/40। ठीक, सबका 40 40 40 हो गया।
अब डिनोमिनेटर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब देख के बता सकते हैं नोमिनेटर को कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 20, 20/40 इज लेस देन 25 आया, 40 इज लेस देन 28/40 और ये छोटा है 30/40। तो अब यहाँ से नंबर देख लीजिए, 20/40 किसका था, 1/2 का, 25/40 किसका था, 5/8 का, फिर 28 किसका था, 7/10 का, और लास्ट में 3/4। इस तरह से हमने इसको देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट जल्दी से देख लीजिए इसको भी। इसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं, 6 × 6 + 5 = 11/6, 11/9, 5/16, 3/1 कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम कितना होगा कैसे पता चलेगा, तो क्या करें, 6, 9, 16, 1 छोड़ देते हैं, 2, 2, 3 जा, 9 वैसे ही, 2, 8 जा, 2, 3, 9 ऐसे ही चलेगा, 4, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 वाला डिवाइड करते जाएंगे, जब 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 हो गया, अब 3 से ट्राई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1, 3 से अभी एक बार और कटेगा, अब सब 1 हो गया, अब एलसीएम कितना हुआ हमारा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 × 2 = 4 × 8 × 16 = 48, 48 और 3 = कितना होगा, 3 × 8 = 24 हो गया ना, 144 एलसीएम होगा। तो चलिए इसको उस तरह से सेकंड मेथड से कर देते हैं, 144 कर दिया हमने एलसीएम। अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 4, यानी 24 टाइम्स में बड़ा बड़ा नंबर आएगा, 24 × 11 ये 9 है तो 16 बार में कटेगा, तो 16 × 11 ये 16 है तो 9 बार में कटेगा, 9 × 5 और ये तो भाई 3 × 1 = 54 ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर करके देख लीजिए, 11, 4 × 40 = 4, 44 × 4 = 46, 26, ठीक ये हो जाएगा, ये वैसे ही चल दीजिए, इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा अपने से, 166, ये 45 और ये 432। अब देखिए अंदाजा लगते जा रहा है कि कौन सा बड़ा सबसे छोटा होगा, 45/144 ये सबसे छोटा होगा, फिर इससे छोटा 166/144, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, 264/144 और 432/144। अब चेक कर लीजिए किसका कौन कौन सा नंबर है, तो देखिए 45 यानी ये वाला, 5/16 देखिए इसमें सेकेंड वाला असेंडिंग ऑर्डर में जब करना है तो इस तरह से मैंने लिख लिया, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए, फिर इन सब का देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग नंबर है, तो इनके लिए हमने एलसीएम निकाला कि कितना एलसीएम चाहिए, 144 आ गया डिवीजन मेथड से। और उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने निकाला कौन सा सबसे छोटा है, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो अब ये 45 वाला, ये वाला नंबर था 5/16 लेस देन 166, ये वाला था 11/9, 264 ये वाला नंबर था यानी
11.6 और लास्ट में ये वाला नंबर था यानी 3। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, मतलब सॉल्व करके असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन अब सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।